बलदेव नगर के वाशिंदों ने उचित मूल्य दुकानदार पर समय पर राशन नहीं देने का आरोप लगाते हुए बुधवार को जिला कलेक्टर व जिला रसद अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और कार्यवाही की मांग की। क्षेत्रवासियों ने उचित मूल्य की दुकान पुनः पुराने ठेकेदार को ही देने और दुकान क्षेत्र के मध्य वापस लगाने की मांग जिला कलेक्टर से की। उचित मूल्य की दुकान के आवंटन को लेकर बलदेव नगर के दर्जनों महिला पुरुषों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर उचित मूल्य की दुकान को पूर्व स्थान पर रखने की साथ पूर्व के राशन डीलर के किसी रिश्तेदार को उचित मूल्य की दुकान पर नियुक्त करने की मांग की है। दर्जनों महिलाओं के साथ जिला कलेक्टर पहुंचे कई लोगों ने अपनी व्यथा सुनाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से बताया कि उचित मूल्य की दुकान पूर्व स्थान की अपेक्षा 3 किलोमीटर दूर है। वहीं नवनियुक्त राशन डीलर की कोई निश्चित समयावधि भी नहीं है, जिसको लेकर यहाँ के लोगों को राशन डीलर का कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। समझे मोना, आप 25 साल हुआ गेहूँ मिलता ना, हमें हमारा गेहूँ बंद किया, वो कारण बताओ मोना। बस कितना टाइम हुआ बंद किया? मोना 25 साल हुआ गेहूँ देता ना, हमें अड़के ये महीने मोना गेहूँ दिया आया कौन की गयो ओके ठेको फोरियो में थे गेहूँ दो कौन में गंगानगर जाऊ, गंगानगर में मजदूरान के जाऊ मजदूर मोर अंगूठा ही गोवे नहीं, तो मैं उठी लेन जाऊ गे आओ ना गेहूँ लेन खाली गई तो के वो तो ये तो सोचती कह के मैं तो क्यों जम बटन ते पास आओ मैं लारी कदी जाऊ। क्षेत्र के लोगों के अनुसार बलदेव नगर बाड़मेर ग्रामीण उचित मूल्य की दुकान पर पूर्व में उदारा माली नियुक्त था, जिसने करीब 25 वर्षों तक क्षेत्र के लोगों को उचित मूल्य की सामग्री प्रदान की, जिसकी कभी भी कोई शिकायत नहीं आई। उसकी करंट लगने से मृत्यु हो गई थी। जिला कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में इलाके के लोगों ने मृतक उदाराम के पुत्र सवाई राम को उचित मूल्य की दुकान पर नियुक्त करने के साथ उचित मूल्य की दुकान यथावत अथवा लोगों की सुविधा अनुसार नजदीकी क्षेत्र में लगवाने की मांग की।